अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर 13, गॉड बी प्रेज्ड, अहमद नदीम कासमी, इंग्लिश टेक्स्ट एंड उर्दू ट्रांसलेशन पार्ट 4। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें और इन वीडियो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ही पुट द मनी इन हिज पॉकेट, स्टूड अप स्लोली एंड सेड, इफ समहाउ मेहरन कैन बी मैरिड, All my worries will disappear. उसने रकम जेब में डाली, आहिस्ता से खड़ा हुआ और कहा, अगर किसी तरह मेहरन की शादी हो जाए, मेरी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। I will feel as light as a feather at least for some years to come. कम अज कम आने वाले कुछ सालों के लिए मैं अपने आप को एक पर की तरह हल्का महसूस करूंगा। When Maulvi Abul reached Shamim Ahmed's new shop, he found a crowd had already assembled there to watch the proceedings. जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, कार्रवाई देखने के लिए पहले ही वहां पर एक हजूम जमा था। Most of the onlookers were women. ज्यादातर देखने वाली खवातीन थी। They lingered to gaze with wistful longings at the colorful display. वो हसरत भरी चाहत के साथ इस रंगीन नजारे को देखने के लिए रुक गई थी। मौलवी अबुल इन एगुरेटेड शॉप बाय फर्स्ट रिसाइटिंग सम वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान इन हिज पावरफुल वॉइस। मौलवी अबुल ने पहले अपनी ताकतवर आवाज में कुरान पाक की चंद आयात की तलावत करके दुकान का इफ्तिताह किया। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लोथ विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स नेस्लिंग अमिडस्ट येलो डॉट्स। फिर उसने गुलाबी रंग के एक कपड़े का एक टुकड़ा, जिस पर पीले धब्बों में खूबसूरत फूल बने हुए थे, मुंतखब किया। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडीज सूट, ही सेड लाउडली। मुझे एक नौजवान खातून के लिबास के लिए इसमें से एक टुकड़ा चाहिए होगा, उसने ऊंची आवाज में कहा। ओवरजॉयड, शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्ड मैयड इन द नेम ऑफ अल्लाह, silently measured 7 yards, picked up his large pair of scissors and cut the cloth. बहुत खुश शमीम अहमद ने अपना गज उठाया, बोला, बिस्मिल्ला, खामोशी से 7 गज पमाइश की, एक बड़ी कैंची उठाई और कपड़ा काटा। He then folded it neatly and placed it before Maulvi Abul with respect. फिर उसने उसको सफाई से तय किया और इज्जत के साथ मौलवी अबुल के सामने रख दिया। He almost seemed to be offering it as a gift. ऐसे लगता था जैसे वो इसे बतौर तोहफा दे रहा था। How much should I pay? मौलवी अबुल asked. मुझे कितने पैसे देने चाहिए? मौलवी अबुल ने पूछा। Out of respect, शमीम अहमद hesitated for a moment, rubbed his palm, cleared his throat and replied, at the rate of 6 rupees per yard, it will be 42 rupees, sir. इज्जत के साथ शमीम अहमद एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, अपनी हथेली को खुजलाया, अपना गला साफ किया और जवाब दिया, 6 रुपए फी गज के हिसाब से 42 रुपए बने जनाब। His words fell like a bombshell on मौलवी अबुल। उसके अल्फाज मौलवी अबुल पर बम के गोले की तरह गिरे। Suddenly he felt as if bundles after bundle of cloth from the various shelves were falling over him. अचानक उसको ऐसे लगा जैसे मुख्तलिफ खानों से कपड़े के गट्ठे एक के बाद दिगरे उस पर गिर रहे हों। Out of 43 rupees he kept a rupee and quickly paid the rest to Shamim Ahmed. 43 रुपए में से उसने 1 रुपया रखा और जल्दी से बाकी शमीम अहमद को अदा कर दिए। थैंक यू सर, शमीम अहमद सेड फ्लशिंग विद हैप्पीनेस। शुक्रिया जनाब, शमीम अहमद ने खुशी से लाल होते हुए कहा। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आई कंसिडर इट अ गुड ओमन। आप शान से मेरे पहले ग्राहक बन गए हैं, मैं इसको एक अच्छा शगुन गर्दानता हूं। That's why I have not offered you any discount today. इसी वजह से मैंने आपको आज कोई रायत नहीं दी है। But I am your humble servant, sir. लेकिन मैं आपका मामूली सा गुलाम हूँ जनाब।
I will, God willing, compensate you soon in some other way. अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी और तरीके से जल्द आपकी तलाफी करूंगा. मौलवी अबूल प्लेस द बंडल ऑफ क्लोथ अंडर हिज आर्म एंड गॉट अप टू लीव. मौलवी अबूल ने कपड़े का गट्ठा अपनी बगल में दबाया और रुखसत होने के लिए खड़ा हुआ. ही स्माइल्ड, ब्लेस्ड मी अहमद एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम. वो मुस्कुराया, शमीम अहमद को दुआ दी और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगा. वन इवनिंग अ फ्यू डेज लेटर समवन नॉक्ड एट द डोर. एक शाम कुछ दिन बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी. ही वेंट टू द डोर हिमसेल्फ एंड ओपन्ड इट. वो खुद दरवाजे पर गया और उसको खोला. अ वेव ऑफ फ्रेग्रेंस फ्लोड इनटू द हाउस. खुशबू की एक लहर घर के अंदर उमड़ आई. अस्सलामु अलैकुम सर. ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस. अस्सलामु अलैकुम जनाब. उसने एक मानूस सी आवाज़ सुनी. इट वॉज शमीम अहमद. ये शमीम अहमद था. आफ्टर प्रीलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग शमीम अहमद हैजिटेटिंगली सेड समथिंग सीक्रेट टू मौलवी अबूल. इब्तदाई दुआ सलाम के बाद शमीम अहमद ने हिचकचाते हुए मौलवी अबूल से कोई राज की बात की. अ थ्रिल वेंट थ्रू मौलवी अबूल्स ईयर एन आइडिया केम टू हिम. मौलवी अबूल के कानों से एक सनसनी गुजर गई. उसे एक ख्याल सूझा. इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद्स रिक्वेस्ट एट हिज थ्रेशोल्ड ही टर्न्ड एंड शाउटेड आरफ्स मदर आई एम गोइंग आउट I'll be back soon. अपनी दहलीज पर शमीम अहमद की दरख्वास्त सुनने के बजाय वो पीछे मुड़ा और चिल्लाया, आरफ की अम्मी, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा. एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द मॉस्क. और वो मस्जिद की तरफ चल दिया. शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली. शमीम अहमद खामोशी से उसके पीछे हो लिया. They went into a room at one end of the mosque. वो मस्जिद के एक तरफ एक कमरे में गए. It was dark and usually used for offering special prayers, prayer in solitude. ये तारीख था और तन्हाई में मखसूस इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता था. Thank you very much for watching it and subscribe this channel and share and like these video lectures. Allah Hafiz.